शहीद आजम का 113वां जन्मदिन है। एक रचना अंतिम पढ़ के अपना स्थान लूंगा और ये मैं कविता नहीं मंदिर में आरती समझ के पढ़ता हूँ, कहता हूँ अपना श्रेष्ठ कुछ लिखा वो आपके सामने पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। शहीद आजम भगत सिंह की अमर कथा आपको सुनाऊंगा, इसमें आप मेरे साथ साथ चलिए, साथ साथ चलेंगे आनंद आएगा। लुप्त हुई सोने की चिड़िया भारत वैभवहीन हुआ, ये देश कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था, जगत गुरु कहलाता था, वो देश गुलाम हुआ। कहानी वहां से शुरू होती है कि लुप्त हुई सोने की चिड़िया भारत वैभवहीन हुआ, दूध दही की नदियां सूखी जगत गुरु था दीन हुआ, किसान और मजदूर दुखी थे भ्रष्ट व्यवस्था जारी थी, स्वदेशी उद्योग हुए बंद पीड़ित जनता सारी थी, फूट डालकर राज करो गौरों ने रीत चलाई थी, जाति भाषा पंथ बांटकर हमने मुंह की खाई थी, कुंड पड़ी थी सब शमशीरें योद्धा थक कर बैठे थे, लाचारी के घर पौरुष को गिरवी रख कर बैठे थे, तब सरदार किशन सिंह के घर सिंह सियावत ने जन्म लिया, फूली नहीं समाई जननी जिसका अमृत दूध। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह। चाचा और पिता की बंदी घर से हुई रिहाई थी, जिस दिन पैदा हुआ भगत सिंह पिता और चाचा की उस दिन जेल से रिहाई हुई थी, कि चाचा और पिता की बंदी घर से हुई रिहाई थी, पैदा हुआ जिस रोज भगत यह खबर उसी दिन आई थी, फांसीदार संकेत की बालक आम नहीं अवतारी था, देख हरकते प्यारी प्यारी हर कोई बलिहारी था, यज्ञोपवीत का दिन आया परिवार ने वैदिक यज्ञ किया, लगा गले से कुल दीपक को दादा ने संकल्प लिया, प्राणों से भी प्यारा इसको देख के जीता मरता हूँ, भारत माँ तेरी सेवा हेतु आज समर्पित करता हूँ। संस्कार पाए थे उसने बचपन से बलिदान के, संस्कार पाए थे उसने बचपन से बलिदान के, रोज रोज देखा करता था सपने हिंदुस्तान के, कहते हैं कि पांव पूत के पलने में दिख जाते हैं, मिल जाए परिवेश सही तो इतिहास लिख जाते हैं, पूछ लिया एक बार पिता ने फसल कौन सी बोनी है, उपजाऊ है धरती अपनी अच्छी खासी होनी है, बेटा बोला सुनो पिताजी, बेटा बोला सुनो पिताजी हम बंदूक उगाएंगे, भगा यहां से अंग्रेजों को हिंद आजाद कराएंगे, सुनकर उत्तर बेटे का बापू का सीना फूल गया, वंदे मातरम लगा बोलने धान बाजरा भूल गए। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह वाह। समय आगे बढ़ रहा था, फिर आया वो दिन जब देश ने अंग्रेजों का क्रूरतम चेहरा देखा, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग में उस दिन बैसाखी का मेला था, जनरल डायर मासूमों के खून से होली खेला था, लाशों से मैदान पटा था, घर घर मातम छाया था, बर्बरता भी शर्माई वो कहर वहां पर ढाया था, 11 साल का बाल भगत सिंह तब अमृतसर आता है, खून से भीगी पगड़ी चुनरी हर सू बिखरी पाता है, लगा कलेजा फटने उसका दर्द सहा नहीं जाता है, जहां गिरा निर्दोष लहू उस रथ से तिलक लगाता है, झरझर श्रुधार बह चली उबला रक्त शिराओं में, लगे धड़कने अंगारे तब हृदय के गहरे घाव में, करता हूं ये भीष्म प्रतिज्ञा जान की बाजी खेलूंगा, मिट जाऊंगा लड़ते लड़ते या आजादी ले लूंगा। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर गांधी जी के आंदोलन में आगे बढ़कर काम किया, लगा रहा निर्भीक निरंतर नहीं तने का आराम किया, जाग रहा था भारत सारा था आंदोलन जोरों पर, हिंदू मुस्लिम साथ खड़े थे आई आफत गोरों पर, चोरी चोरा की घटना से गांधी जी नाराज हुए, हिंसा से प्राधीन भले हम बात सभी को याद रहे, यूं आंदोलन गांधी जी ने बीच सफर में रोक दिया, भगत सिंह को लगा किसी ने पीठ में खंजर घोंप दिया, उठा विश्वास महात्मा सेना कोई राह नजर आई, थी वो चोट बड़ी गहरी जो अपने रहवर से खाई, अलग मार्ग पर चलना होगा आखिर ठान लिया उसने, इनकलाब को आजादी का मंत्र मान लिया उसने, इनकलाब को आजादी का मंत्र मान लिया उसने। माँ की ममता बूढ़ी दादी की आंखों का तारा था, माँ की ममता बूढ़ी दादी की आंखों का तारा था, हर नाम हुक्म तो चाची घर में सबका वही सहारा था, 16 साल की उम्र हुई तो घर में ब्याह की बात चली, पर आजादी के आशिक को नहीं लगी ये बात भली, जहां फिजाएं पराधीन हो नहीं सुहाता सिर सहरा, हर सुंदर चेहरे में दिखता उसे गुलामी का चेहरा, खेल कूदने के दिन थे तब गांव गली घर छोड़ चला, जन्मभूमि के दुख हरने किस किस से नाता तोड़ चला, कोयल की कुकू सावन के झूलों ने रोका उसको,
पनघट के गीतों सरसों के फूलों ने रोका उसको, कंकी चूड़ी उलझी जुल्फे फैले आंचल ने रोका, तरसी नजरे भीगी पलके बहते काजल ने रोका, दुनिया भर की खुशियों ने रंग रलियों ने आवाजें दी, एक बार तो देखो मुड़कर कलियों ने आवाजें दी, पर दीवाना मस्ताना कब किसकी सुनने वाला था, छोड़ सेज फूलों की वो शूरों को चुनने वाला था। बहुत अच्छा है, क्या बात है, शूरों को चुनने वाला था। लिख संदेशा नाम पिता के पल में घर को त्याग दिया, भुला सभी आराम ऐश सुख वैभव से बहरा दिया, पेट में रोटी भले नहीं पर दिल में भारत बसता था, दंश गुलामी का उसको नित बनकर बिस्तर डसता था, राजगुरु सुखदेव भगवती बीके और आजाद मिले, भारत की बदहाली पर दिल इनके भी नाशाद मिले, मिलकर गठन किया एक दल का HSRA नाम पड़ा, अंग्रेजों से लोहा लेने नया संगठन हुआ करा, विरोध किया जब साइमन का अंग्रेज हदों के पार गए, लाला जी पर पड़ी लाठियां जीवन की जंग हार गए, पता चला इस घटना का तो खून वीर का खोल गया, किया इकट्ठा सारे दल को जो दिल में था बोल गया, हरगिज नहीं चाहता कि मानव का रक्त बहाऊं मैं, लाला जी की वृद्ध देह के कैसे घाव भलाऊं मैं, अपमान राष्ट्र का यदि साथियों चुप बैठे सह जाएंगे, धिक्कारेगा विश्व हमें बुज़दिल कायर कहलाएंगे। बहुत अच्छा, लाला जी का सिर से कर्ज उतार दिया, आर पार की हुई लड़ाई लंदन को ललकार दिया, आर पार की हुई लड़ाई लंदन को ललकार दिया। उसके बाद इस घटना के बाद आगरा में क्रांतिकारियों की बैठक हुई और उस बैठक में जो शहीद आजम भगत सिंह ने साथियों के सामने प्रस्ताव रखा, भगत इनकलाब का भगत सिंह ने बन केशव पैगाम दिया, इनकलाब का भगत सिंह ने बन केशव पैगाम दिया और स्वयं गांडीव उठाकर फिर उसको अंजाम दिया, कहा भगत ने सुनो साथियों काम निराला करना है, मंजिल भी है दूर बहुत और अंगारों पर चलना है, याद रहे कि केवल चरखा आजादी नहीं ला सकता, केवल बातें करने से ही इनकलाब नहीं आ सकता, आजादी चाहने वालों को मोल चुकाना पड़ता है, हंसते हंसते बलिवेदी पर शीश चढ़ाना पड़ता है, सूरा मरता एक बार पर कायर हर दिन मरता है, समझ प्रेसी मृत्यु को भी वीरालिंगन करता है, फांसी निश्चित है किंतु बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हर गांव शहर में इनकलाब की नई रोशनी लाएगा, मिट जाएगा घना अंधेरा नया सवेरा आएगा, सदियों से खोए वैभव को फिर से भारत पाएगा, सदियों से खोए वैभव को फिर से भारत पाएगा। यह पैगाम था शहीद आजम का और अब बारी थी उसको अंजाम देने की, लेकर अपने संग पट्टू को शेर सभा में पहुंच गया, बटुकेश्वर दत्त को घर में प्यार से बट्टू कहा करते थे, लेकर अपने संग बट्टू को शेर सभा में पहुंच गया, नहीं सुना जो कभी किसी ने जा खेला वो खेल नया, बहरों के कानों में धमाके एक नहीं दो बार किए, टोला लंदन का सिंहासन थे ऐसे प्रहार किए, फेंके थे बम खाली जगह की जान किसी की जाए ना, मकसद बेशक पूरा हो पर चोट किसी को आए ना, चाहता भाग निकल जाता पर अलग ठान कर आया था, भारत की आजादी हेतु कफन बांध कर आया था, भारत की आजादी हेतु कफन बांध कर आया, घोर यातना सही जेल में, घोर यातना सही जेल में बर्फ शिला पर सोया था, किया ऐतिहासिक अनशन जिसे देख आसमां रोया था, पूरे 100 दिन बीत गए ना दाना अंका खाया था, बनी भूख हथियार समर में वो संकल्प दिखाया था, भगत सिंह के त्याग के चर्चे दूर दूर मशहूर हुए, अखबार रिसाले दुनिया भर के लिखने को मजबूर हुए, अनशन तोड़वाने की खातिर अंग्रेजों ने चाल चली, मांगा पानी दूध दिया जब किसी तरह नहीं दाल करी, आजादी के दीवाने ने दूध का मटका फोड़ दिया, टूटे चाहे जीवन डोरी पर अनशन नहीं तोड़ दिया, टूटे चाहे जीवन डोरी पर अनशन नहीं तोड़ दिया। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अश्वमेध यज्ञ किया जेल में गोरों का अभिमान गया, अश्वमेध यज्ञ किया जेल में गोरों का अभिमान गया, इनकलाब का नाम भगत सिंह बच्चा बच्चा जान गया, बलिदान का दिन आया तो दुल्हे जैसा चाव चढ़ा, सजनी से मिलना हो मानो यूं फंदे की ओर बढ़ा, फिर वरमाला पहन गले में दूर शहर को चला गया, स्वयं सो गया चिर निद्रा में मगर वतन को जगा गया, नतमस्तक था जगत जिन्हें उस तख्त की चूल्हे हिला गया, भारत माँ की आजादी की राह भगत सिंह दिखा गया, ऐसा आशिक ऐसा प्रेमी ऐसा मजनू और कहां, युगों युगों उस दीवाने को याद करेगा हिंदुस्तान, युगों युगों उस दीवाने को याद करेगा, युगों युगों उस दीवाने को।